दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं सैमसंग की एक और नई फ़ोन के बारे में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A42 जो कि सैमसंग की तरफ से मिड रेंज 5G फ़ोन में पहला ये फ़ोन है जो कि इंडिया में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A42 के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम इस फ़ोन की डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो बैक में आपको वही ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आने वाला है और इसके साथ आपको स्क्वायर शेप में क्वाड रियर कैमरा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इस फोन की अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाएगा जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आता है और इसके साथ आपको सेंटर पंच होल सेल्फी कैमरा भी आपको लगा हुआ इस फोन में मिल जाएगा और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 690 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है और ये क्वालकॉम की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर आने वाला है। तो इस बार सैमसंग प्रोसेसर में कोई कटौती नहीं किया है, इस बार लेटेस्ट प्रोसेसर सैमसंग इस फोन में देने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इस फोन की अगर कैमरा के बारे में बात करते हैं तो रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा मिलता है जिसका कि मेन लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि इस फोन में आपको स्क्वायर शेप में क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इस फोन की अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी लगा हुआ मिल जाएगा जिससे कि आप वीडियो कॉलिंग और सेल्फी ले सकते हैं। और इसके बाद इस फोन में आपको वही M सीरीज का सिंगल टच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके बाद इस फोन के अगर रैम रेट के बारे में बात करते हैं तो रैम में आपको ये फ़ोन 3 रैम रेट के साथ आएगा, 4GB, 6GB और 8GB के साथ। और इस फोन में आपको इंटरनल स्टोरेज में 128GB का इंटरनल स्टोरेज भी लगा हुआ मिल जाएगा जो कि आप 512GB तक का स्पेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। और इस फ़ोन की अगर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो बैटरी में आपको बैटरी भी कंफर्म हो चुकी है जो कि इसमें आपको 5000mAh की बैटरी लगी हुई मिल जाएगी जिसके साथ आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग भी बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में इस फ़ोन की अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो प्राइस में दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस होने वाला है आपको 24,000 से 25,000 के बीच में इस फ़ोन का प्राइस होगा जो कि अभी जिसका प्राइस है A51 का वैसे ही इस फ़ोन का प्राइस होगा और A52 जो आएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसका लॉन्च डेट आपको ये 2 महीने के बाद इस फ़ोन का अनाउंस होगा और ये फ़ोन दिसंबर लास्ट तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस फ़ोन का लिए आप एक्साइटेड हैं कि नहीं ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।